करनाल जेल में बंद 21 वर्षीय विक्रम नामक कैदी की सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक यह एक संदिग्ध मौत बताई जा रही है। मौत के बाद पुलिस द्वारा शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखवाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक विक्रम हत्या के केस में जेल में सजा काट रहा था, जबकि मर्चरी हाउस में मृतक विक्रम के परिजनों ने बताया कि विक्रम लड़ाई झगड़े के केस में अंदर था। वह पिछले दिनों कोरोना के चलते छुट्टी पर आया हुआ था, जो अभी 5 दिन पहले ही वह जेल में गया था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसको सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इसकी सूचना परिजनों को दी गई थी, परंतु गत रात्रि कैदी विक्रम की इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की कार्यवाही करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। उधर मृतक विक्रम की बहन ने बताया कि विक्रम बिल्कुल ठीक ठाक पिछले 5 दिन पहले ही जेल में गया था, परंतु उसकी अचानक तबियत खराब हो जाने से उसे इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि विक्रम की मौत कैसे हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक विक्रम अविवाहित था। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जी, विक्रम नाम था जिसका। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा फार्म। क्या हादसा हुआ था, क्या मामला है? जी पता नहीं क्या हुआ जी, 25 तारीख इसकी पेशी थी जी, पेश हुआ था 25 तारीख को। फिर 5-6 दिन यहाँ रहा, फिर उसको इमरजेंसी में लाया थे पुलिस वाले। फिर उनका फोन आया कि आपका लड़का ना वहाँ इमरजेंसी में दाखिल है, जाके मिल लो। फिर हम ये मेरे मम्मी मिलने आए थे उसको, आज उसको 13वां दिन गुजर गया जी। तो क्या जेल में बंद थे जी? पहले छुट्टियाँ पे रहे थे जी, लॉकडाउन पे। 25 तारीख इसकी पेशी थी। अच्छा, फिर ये वहीं पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, फिर इसको यहाँ ले आए पुलिस वाले। फिर हमारे पास फोन किया कि आपका लड़का इमरजेंसी में है जी। फिर इमरजेंसी में लाया जी, फिर हम आए थे जी, वहाँ पड़ा था इमरजेंसी में। फिर इसको 5वीं मंजिल में ले गए, वहीं था जी। फिर आज इसकी मौत हो गई। तो इलाज के दौरान मौत हुई है जी? पता नहीं इसका क्या हुआ जी, क्या नहीं हुआ। किस केस में कैद में थे, जेल में बंद थे जी? पहले 5-6 साल हो गए, पहले तो एक तो छुट्टी कर रहे थे जी। किस केस में थे बंद? लड़ाई झगड़े में। उम्र कितनी थी? 20 साल। शादी शुदा है जी? नहीं, शादी नहीं हुई इसकी। आप क्या लगते होंगे? सिस्टर जी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।